राजपाल जी, भाई साहब स्वागत है आपका डीएसपी स्टूडियो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल की गहराइयों से। आपका जो लाइव है लगभग करोड़ों में चल रहा है अभी। बहुत बहुत आभार सर, आपका प्रेम है स्नेह है। तो आइएगा, बिना किसी औपचारिकता के मैं सीधी सीधी गुरु महाराज की वंदना प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि एमएलए साहब को और आगे भी भजन संध्याएं और कार्यक्रम अटेंड करने हैं, और उसके बाद नृत्य का कार्यक्रम होगा। और स्टेज पर जो माताजी और बाऊजी बैठे हैं, आपका आदेश लेकर के, आपको बहुत सारी बधाइयां देकर के मैं सीधे सीधे गुरु महाराज की वंदना की ओर बढ़ता हूँ। धन्यवाद। हरि ओम, हरि ओम, हरि गुरुरि ब्रह्मा गुरुरि विष्णु हरि गुरुरि देवो महेश्वराय गुरुरि साक्षात्ति पारि ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि कंठ विराजो सरस्वती मेरे हिवड़े में हिंगलाज रोम रोम मेरी कुल देवी बसो मेरे नैना भैरूनाथ। कि गुरु बिन मार्ग नहीं मिले और गुरु बिन मिले नहीं ज्ञान गुरु बिन दान हराम है जय पूछो वेद पुराण। गुरु बिन मार्ग नहीं मिले गुरु बिन मिले ना ज्ञान अरे गुरु बिन दान हराम है भक्तों चाहे पूछ लो तुम वेद और पुराण। शास्त्रों में वेदों में लिखा है कि अगर आपने गुरु नहीं बनाए तो आपके जीवन में दिया हुआ दान जकात जो भी आप पुण्य करते हैं उसका कभी भी आपको पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु महाराज का जो स्थान है भक्तों वो भगवान से प्रभु से उस परमात्मा से भी श्रेष्ठ बताया है। कि गुरु गोविंद दोनों खड़े में किसके लागू पाएं, अरे जाऊं बलियारी मेरे गुरु महाराज को कि मुझे गोविंद दिया मिलाई। इस अजर अमर आत्मा का उस परमात्मा से जो मिलन करवाने वाले मेडिएटर जो मध्यस्थ है वो है गुरु महाराज। ऐसे गुरु महाराज जब घर में आवे जब सत्संग में आवे तो ऐसे संतों की किस प्रकार से महिमा गाई जाती है हमारे राजस्थानी परंपरा के अनुसार, तो उसे कहते हैं बदावा। और वही मैं बदावा गाने जा रहा हूँ। और सबसे पहले पुटले परिवार को, घर में गुड़िया आई है उसे लक्ष्मी आई है, तो बहुत सारी मेरी बधाइयां और बच्चे को बहुत सारा आशीर्वाद। अरे वारी जाऊं रे गुना हे बलिहारी जाऊं रे हो वारी जाऊं रे गुरु जी बलिहारी जाऊं रे अरे वारी जाऊं मैं गुरा हे बलिहारी जाऊं रे हे महाराज सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे महाराज सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी आया।
Thank you.
इस भजन में संत श्री नारायण दास जी महाराज ने बड़ी सुंदर अमूलक वाणी लिखी है। मेरी बहन बेटियों, आप लोगों के लिए लिखा है कि जब गुरु महाराज का आगमन हुए उस समय तिलक लगा करके उनका बदावा गाएं। एक मेरा फिर निवेदन है कि जितने भी भक्त जो बाहर से पधारे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन, प्लीज आप प्रसादी ग्रहण कर लें और उसके बाद आप विराजें और एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें एमएलए साहब का। आदरणीय शर्मा साहब पधारे, आपने अमूल्य समय में याद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। और बहुत ही सुंदर पद किस प्रकार से हमारे ऑर्गन प्लेयर साहब बजाते हैं। जी भैया, आप है पे कलाकारों के, लेकिन आपका जो बागा है ना, ये वेश वो गुरुदेव का है। तो बोले
हे मारो बेड़ो पारी लगाओ मैं पारी गाऊं मैं बेड़ो पारी लगाओ मैं पारी गाऊं सच्चा लगाओ तो परमात्मा की जोगोश बोल करके इस सत्संग में और इस धर्म के काम में अपनी हाजिरी लगा देना आप लोग दोनों हाथ उठा करिए बराबर बोलिए अपने अपने मात पिता गुरुदेव की श्री बालाजी महाराज की लीजिए भक्तों ये थी गुरु